हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है क्या तारीख है भाई, मैं तारीख ही भूल गया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जुलाई और हम लोग अभी यहाँ पे हमारे जो होटल है वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए हैं। अभी 10 बजे है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा रश है, तो हमें बोला यहाँ पे वेट करो। तो आज का दिन का हमारा प्लान ये है कि अभी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं हिमांशु जी के साथ, और फिर हिमांशु जी के साथ एक बार रूम में वीडियो बन जाएगा, फिर हम लोग एक बार कार में वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद और एक वीडियो बनाना है, वो भी लाइनअप है। तो आज मोस्टली 3-4 बजे तक ये चलेगा, और फिर आज हमारी फ्लाइट है इवनिंग की, फिर वहाँ से सीधा हम लोग मुंबई पहुँच जाएंगे। तो अभी चेतन यहाँ पे आ गया है मेरे साथ, और ये है हिमांशु जी। तो हिमांशु जी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है वो आपको शायद नहीं जानते, तो आप बताइए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ हिमांशु, मैं एक इक्विटी प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, साथ में ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ, जैसे मौका मिलता है उसमें स्विंग्स में भी ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ, बट प्योरली हेजिंग के साथ में ट्रेड करता हूँ। और काफ़ी कितने साल हो गए आपको? मुझे समवेयर अराउंड जो एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट और फ्यूचर्स डेरिवेटिव सेगमेंट में, मोर देन 15 ईयर्स का है, और मैं अपने फंड पे पिछले 5-6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और एक प्रोफेशनल वे में ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं आज आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा कुछ कॉन्सेप्ट जिनके यूज़ करके वो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, और एक प्रॉपर वे वो अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसके लर्निंग कर्व को शॉर्टन कर सकते हैं जो हमने एक्सपीरियंस करा है, और मैं जस्ट पासिंग द टॉर्च करूँगा, जो भी मैंने सीखा है मैंने जस्ट पास करूँगा। सही है। तो बस देखो, यही चीज़ है, हिमांशु जी से मैं चंडीगढ़ में मिला था और वहाँ पे मैंने इनसे, मतलब हम लोग 2-3 दिन थे, राइट? हाँ, 2-3 दिन हमने एक साथ। हाँ, तो वहाँ पे मैंने देख समझ लिया था कि हिमांशु जी एक अच्छे आदमी है और अच्छे ट्रेडर है। तो अभी यहाँ पे आया था, और आप गाजियाबाद में रहते हो, राइट? नियर टू गाजियाबाद। तो सर आज स्पेशली हमारे पास आए हैं गाजियाबाद से, तो बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ऊपर जाके इनका वीडियो बनाएंगे, और फिर आज का दिन ऐसे ही चलेगा, तो जो भी होगा वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा। 20 मिनट वेट करने के बाद फाइनली नंबर आ गया है, 12:45 हो गए हैं, और ये मैंने गोप्रो हाथ में ले लिया। अभी हिमांशु जी के साथ हमने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट बनाया है, जिसमें हिमांशु जी ने 3 मिनट्स वाली स्ट्रैटेजी बताई है, जो आप पर्सनली फॉलो करते हो। मैं उसे काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और बैक टेस्टेड है, मतलब एक्शनेबल क्वांटिटी पे मैं काम करता हूँ उसमें, और मैंने जस्ट जैसे मैं यूज करता हूँ मैंने आपके व्यूअर्स को पूरी की पूरी ऐसी ही बताई है, सही है। मैं यूज करता हूँ पिछले 4-5 साल से और ट्रिमेंडस रिजल्ट है, और इफेक्टिवली वो काम करती है मार्केट में। बट जैसे हमने रूल्स बताए, विजय भाई ने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया है, तो आपको जस्ट एज इट इज फॉलो करनी है, उसमें अपना कुछ एडिशनल, उसमें और कुछ इंडिकेटर्स या एनालिसिस नहीं करनी है, जस्ट सिंपल फॉलो करनी है जैसे हमने शेयर करी है। सही है। तो वो स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली आपको व्लॉग पहले आएगा, वो वीडियो हमारे चैनल पे जरूर आ जाएगा। और हिमांशु जी ने मुझे ये गिफ्ट किया जो है जैन का, क्या है ये, स्वीट्स है। हाँ, जैन बेकरी है इनका, जो बेसिकली जैन सिकंजी के नाम से मशहूर है। हाँ, विराट कोहली ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब हम रैना से मिले जाते थे गाजियाबाद तो सिकंजी पिया करते थे वहाँ पे, तो उनकी बेकरी है। अच्छा, तो उनकी बेकरी का ये आइटम है। सही है। तो ये हिमांशु जी ने दिया है, चेतन दे तो हिमांशु जी वाली गिफ्ट उनको, तू दे दे। तो ये हम हिमांशु जी आपको, ये दिल्ली का कोई हीरा स्वीट्स है, जो मुझे किसी ने बोला दिल्ली में बहुत फेमस है, तो मैंने वहां से आपके लिए ये स्वीट्स ली है, क्योंकि मैं मुंबई से सब लेके आना नहीं चाहता था चीजों को, है ना। तो चलो अभी मैं और हिमांशु जी नीचे उतर रहे हैं, हम लोग जो हमारा कार वाला वीडियो है वो बनाएंगे, और वो वीडियो रहेगा नॉर्मली हमारा माइंडसेट के ऊपर। तो चेतन हम लोग नीचे जा रहे हैं, मैं कार निकाल रहा हूँ, तब तक तू आ जा नीचे। तो फिर अभी हमने यहाँ पे हिमांशु जी के साथ सेटअप भी लगा लिया है थोड़ी देर के लिए, वो ट्राइपॉड हमें नहीं मिल रहा था, पर सीट के नीचे था, मिल गया है। अभी मैं आता हूँ हिमांशु जी के साथ वीडियो बना के, वैसे 1 बज गया है और 1:30 को उमेश भी आने वाला है, तो उसके साथ भी फिर से बनाएंगे। थर्टी हो रहे हैं और मैं, चेतन और हिमांशु जी तो घर जा रहे हैं, बट नीचे उमेश आ गया है, और उमेश के साथ हम लोग आज फिर से कार वाला इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कल है ना जो हमने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, वो उसमें पता नहीं कोई मतलब इशू आया है वॉइस का, तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं,
और आज ऋषि जी भी आने वाले थे, ऋषि जुनेजा, पर वो किसी रीजन से आ नहीं पाए। तो ठीक है, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, उमेश के साथ फिर से एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर हम यहाँ से, मतलब हिमांशु जी तो अभी निकल रहे हैं, उमेश अपने घर चले जाएगा और हम फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। चलो उमेश यहाँ पे है, तो उमेश चल जाते हैं, अपन फिर से वीडियो बनाते हैं, कल वाले वीडियो में थोड़ा इशू आ गया है। ठीक है, ओके, चलो चेतन। तो अभी 3:50 हुआ है और हम लोग ने एक रील भी बनाया जो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा। तो अभी उमेश जा रहे हैं, उमेश के ये फ्रेंड आए थे, क्या नाम है इनका? ऋषभ जी, ये लॉयर है। अभी शायद कितने टाइम में आपका लाइसेंस आ जाएगा? 4-5 महीने। 4-5 महीने में ये भी लॉयर बन जाएंगे, फिर ये भी केस लड़ेंगे। तो थैंक यू उमेश, मज़ा आया आपसे बात करके, और दिल्ली में बहुत मज़े किए हमने। तो बस अभी इनको बाय बोलता हूँ और फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, और वहाँ से फिर एक भाई मिलने आने वाले, उसके बाद हम लोग भी सीधा एयरपोर्ट निकल जाएंगे। अभी 5:30 हैं और मैंने और चेतन ने थोड़ा रेस्ट कर लिया, एक जो हमारे भाई थे वो भी आए थे मिलने के लिए, वो भी चले गए, और मैंने और चेतन ने एक्चुअली रेस्ट भी कर लिया और एक एक बात भी ले लिया, तो थोड़ा फ्रेश हो गए, क्योंकि ना बहुत थक गए थे ऐसे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया था ना, हम आए सिर्फ 2 दिन के लिए थे, मतलब ऐसे तो 3 दिन के लिए थे, पर काम सिर्फ 2 दिन ही था, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब बहुत सारी बैक टू बैक चीज़ें हो रही थी, तो बहुत थक गए थे। और अभी मैं ऐसे ही, मैं और चेतन बैठे थे, तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में आए हैं तो इसका खर्चा कितना हुआ है, क्योंकि देखो एज अ, मतलब मैं अगर क्रिएटर की बात करूँ, तो एज अ क्रिएटर आज तक मैंने अपने YouTube चैनल पे कोई भी ब्रांड प्रमोशन वाले काम नहीं किए हैं, और शायद मैं करूँगा या नहीं करूँगा अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, पर अभी तक नहीं किए हैं। तो हम लोग है ना ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि ये दिल्ली में आके हमने 2 पॉडकास्ट बनाए और 3 जो वीडियो थे वो हमने कार वाले बनाए, तो उसमें से एक हमारे वो पुनीत भाई थे और 2 ये नए लोग भी थे। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें खर्चा कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। तो ये देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लाइट का 21,000 रुपया हो गया था मेरा और चेतन का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और फिर होटल का जो है वो 50,000 रुपया हुआ। अभी होटल का 50,000 रुपया क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, कि हम लोगों को एक ऐसी होटल चाहिए थी, एक ऐसा रूम चाहिए था जो बड़ा हो, जैसे देखो ये वाला जो रूम है ये रूम बड़ा है, ठीक है, प्लस हम लोगों को ऐसा लिविंग एरिया जैसा स्पेस चाहिए था जिसमें ये सोफे पे बैठ के मैं जो भी गेस्ट आ रहे उनके साथ अच्छे से वीडियो बना सकूं। और इसमें ये नहीं है कि मुझे ऐसा ही रूम चाहिए, हम लोग अगर नॉर्मली मैं और चेतन आते और हमारे हमें कोई और काम होता तो शायद हम ये होटल का सबसे छोटे कैटेगरी वाला रूम लेते। तो ये लेना ज़रूरी था क्योंकि हमें वीडियो बनाने हैं, और जब हम ट्राईपॉड खोलते हैं, मतलब 2 ट्राईपॉड होते हैं कैमरे के, एक ट्राईपॉड होता है चेतन का लाइट का, और कभी कभी हम 3 कैमरा भी लगा देते हैं, तो हमें बड़ी जगह चाहिए। तो यहाँ पे देखो इतनी स्पेस है, नॉर्मली आप होटल के नॉर्मल वाले रूम में जाओगे ना तो इतनी स्पेस आप लोगों को नहीं मिलेगी, तो ये कंसर्न ये था, उसलिए उसका 50,000 लग गया। फिर जो टैक्सी फेयर है, मतलब हम घर से निकले यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से होटल आए और अभी दिल्ली से वापस से एयरपोर्ट जाएंगे, शायद मैं अपनी कार बुला लूँगा मुंबई में, तो वो एक ठीक है क्योंकि T2 में है ना बहुत प्रॉब्लम होता है कैब का। तो ये जो एक्सपेंस है वो 3,000 हुआ। उसके बाद खाने पीने का, देखो फ्रेंकली बोलूँ तो हमें हमारे सारे जिन लोगों को मैंने बुलाया था ना उन्होंने ही हम लोगों को खिलाया, पर जो 1-2 दिन का हमारा एक्सपेंस था वो 2,000 रुपया हुआ। उसके बाद हमने जो गिफ्ट दी लोगों को वो 4,500 रुपया दी, और जो कैमरे का एक्सपेंस था, जैसे मैं आपको बताऊं ये जो बैग है ना ये समझ लो इसमें 80% इक्विपमेंट हमारे ही है, पर कभी कभी हम बैकअप में दूसरे इक्विपमेंट लेके चलते हैं। जैसे कौन सा हमने रेंट पे लिया था? 2 GoPro रेंट पे लिए थे ना, एक तो GoPro अपने पास है, एक GoPro लिया था, फिर एक स्टैंड और एक लेंस एक एक्स्ट्रा लेके गए थे। और तुमने एक्स्ट्रा क्यों लिया था? कि अगर ज्यादा अगर जगह छोटा हो तो फिर वो बैकअप के लिए काम आ जाएगा, कोई लेंस बिगड़ जाए या कुछ हो जाए। पर वो लेंस काम आई एक ही शूट में आई, बाकी तो नहीं आई, पर वो मतलब फिर भी हमें बैकअप लेके चलना पड़ता है। तो अभी ये बात मैं आप लोगों को क्यों इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ। दूसरा, हाँ वो हमने जो पेट्रोल भरा था वो एक्सपेंस तो मैं गिनूंगा भी नहीं क्योंकि वो उमेश ने हमें बहुत दिल से अपनी कार दी थी, तो एज अ रिटर्न मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको टैंक फुल करके दूं, तो वो मैंने किया। एक्सपेंस हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ कि मैंने भर दिया, बट
अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो सारी चीजें करोगे ना, तो ये सारी चीजों को मैं, हाँ ये जो कैमरे का इसका एक्सपेंस हुआ वो हमने 3 दिन के लिए रेंट पे लिया था, क्योंकि वो तो 2 दिन का पैसा लगाएगा नहीं, तो वो 15,500 हुआ, और ये सारे एक्सपेंस को मिलाओ तो 96,000 होता है, और प्लस 3,000-4,000 रुपया वो पेट्रोल वाला पड़ो, तो 1,00,000 रुपया ये दिल्ली वाले ट्रिप का हमारा खर्चा हो गया। अभी आप बोलोगे कि विजय भाई आपको यूट्यूब से पैसा तो मिलता ही होगा ना? नहीं मिलता है दोस्त, यूट्यूब से इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं एक ट्रिप में 1,00,000 रुपया खर्चा कर दूं। यहाँ पे मैं पैसा इसलिए खर्चा करता हूँ कि मुझे पर्सनली पसंद है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, और मेरे जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म है, बहुत बड़े प्लान है। तो ये मेरी एक कंपनी है जिसके अंदर मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और एज अ प्रमोटर, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट के बोलते हैं ना कंपनी के प्रमोटर कैसे होते हैं, तो एज अ प्रमोटर या फिर एज अ चैनल ओनर मुझे बहुत श्योरिटी है कि मैं आगे जाके अच्छा ही करूंगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो ऐसा चलता ही रहेगा। तो अगेन मैं आप लोगों को कोई भी शो ऑफ नहीं कर रहा कि देखो मैंने कितना एक्सपेंस कर दिया, मैं कभी ये चीज नहीं करता, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को समझना चाहिए कि एक यूट्यूब चैनल चलाने के पीछे कितना खर्चा लगता है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको मेरी अर्निंग भी दिखाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो करने के लिए। तो बस ये था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मैं और चेतन एक्सपेंस की लिस्ट बना रहे थे, तो अभी चेतन ने अपना कैमरे का बैग पैक कर दिया है, ये साइड में मेरा और चेतन के कपड़े वगैरह पैक हो गए, यहाँ पे हमने सब इक्विपमेंट रख दिया, बाकी ये जो हमारे दोस्त लोग ने जो हमें मिठाई और जो दिया है वो सब मैंने ये बैग में ले लिया, इसको हम लोग यहाँ पे ही फेंक देंगे। मेरा बैग भी रेडी है, मैं भी लैपटॉप बंद कर दूंगा और अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा एयरपोर्ट की तरफ, और फिर हम पहुँचेंगे मुंबई। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ, अभी हम लोग रूम से तो बाहर आ गए हैं, चेकआउट की प्रोसीजर यहाँ पे करके कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी कैब भी आ गई है, और अभी कितना बज रहा है चेतन? ओ मतलब ठीक है, 20 मिनट लेट है पर जल्दी पहुंच जाएंगे। छुट्टी हुआ है और हम लोग एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं, यहाँ पे ट्रॉली नहीं था, थोड़ा दूर था, तो चेतन को बोला है कि थोड़ी देर ड्रैग कर ले, बाद में अंदर ट्रॉली में हम लोग कर लेंगे। अभी यहाँ पे डीजी यात्रा है तो डीजी यात्रा से अंदर जाते हैं और बैग वगैरह लगेज वगैरह देख के सिक्योरिटी चेक इन करते हैं। भाई साहब यहाँ पे तो ये देखो, यहाँ पे इतनी रश है और यहाँ पे रश है। चलो अभी अपने डोमेस्टिक वाले में जाके देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही रश है, देखते जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। चलो लगेज चेक इन तो कर लिया। कैसे किया चेतन? एक्चुअली है ना, वहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, वहाँ पे सिर्फ 3-4 उन्होंने काउंटर ओपन रखे थे, तो मैंने उनको जाके बोला कि अरे भाई एक कैसी बात है, इतने सारे लोग हैं और आपके काउंटर सिर्फ 3-4 है, तो उन्होंने 2 नए काउंटर ओपन किए। मैं फट से भाग के आया यहाँ पे और चेतन भी आ गया और हमारा फाइनली एकदम अच्छी तरीके से हो गया। अभी करते हैं चेतन का सबसे सिर दुखाने वाला काम, सिक्योरिटी चेक इन। चेतन वॉशरूम जाना है, रुक जा पहले। 7:14 है और थोड़ी बहुत तो नहीं, यहाँ पे ऐसे बस स्टॉप जैसी रश है और कोई प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा था, पर ठीक है फाइनली हो गया। अभी चेतन अपना सारा वापस से सामान इसके अंदर समेटेगा और फिर हम लोग यहाँ से हमारे गेट की तरफ जाए। कौन सा गेट है अपना? 55 ऑन टाइम है। चलो फ्लाइट का भी टाइम देख लिया, ऑन टाइम है, लेट नहीं है। चल तो फिर अभी ये मॉल घूम लेते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट का मॉल थोड़ा घूम लेते हैं। यहाँ पे मैं मजाक कर रहा था चेतन के साथ के यहाँ के मॉल में घूमते हैं और मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से एक टी शर्ट खरीद लिया। मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला टी शर्ट हमने जो टी शर्ट खरीदा है वो ये वाला खरीदा है, ये वाला टी शर्ट। तो यही कलर जो ब्लैक कलर है, ब्लैक और ग्रे, वो टी शर्ट खरीद लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ। वहाँ से हम लोग चल के आए और यहाँ पे चाय पीना था चेतन को, तो ये दिल्ली स्ट्रीट करके एक जगह है, वहाँ पे बैठे हैं चाय पीने के लिए और चेतन ने और मैंने दोनों ने कुल्लड़ चाय ले ली। एक्चुअली जब से हम लोग दिल्ली आए हैं ना तब से एक ढंग की चाय नहीं पी है, वो होटल में तो हम लोग कॉफ़ी पी लेते थे, तो अभी यहाँ पे शांति से चाय पिएगी। और आज वैसे
शाम को हम लोग ने चाय पी भी नहीं थी ना चेतन, जनरली मेरी और चेतन की आदत है शाम को चाय पीने की। एक ऑब्जर्वेशन है मेरा एयरपोर्ट्स को लेकर, मुंबई एयरपोर्ट में तो ये बहुत शौरी है। आप यहाँ पे देखो एयरपोर्ट की जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, उस पर आप लोगों को ज़्यादातर वॉर की न्यूज़ ही दिखाते हैं। और जैसे ये कंट्री ने वहाँ रॉकेट छोड़ दिया, उसने वहाँ रॉकेट छोड़ दिया, ये कंट्री में ये वॉर हो रहा है, वो कंट्री में ये वॉर हो रहा है। तो मतलब ये क्या, इसका क्या लॉजिक है? क्या आप लोगों ने ये चीज़ को नोटिस किया है? जितने भी एयरपोर्ट्स है, जैसे मुंबई एयरपोर्ट में तो मैंने आपको बोला मैं बहुत शौर हूँ, देखो वहाँ पे भी देखो वॉर की ही न्यूज़ चल रही है। क्या लोग ने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो न्यूज़ यहाँ पे लगाई थी बाद में उसको चेंज करना भूल गए हैं, या ये लोग जानबूझ के ये वॉर के वीडियोस चलाते रहते हैं एयरपोर्ट के टीवी में? जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बताइए मुझे। कितने बज रहे अभी चेतन? 9:50 हो रहे हैं और हमारी फ्लाइट 45 मिनट डिले हो गई थी। फाइनली अभी बोर्डिंग हुई है और हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे मुंबई में 12:30 को लैंड हो गए। एक बज के 10 मिनट हो गया और अभी हम लोग हमारे बैग का ही वेट कर रहे हैं। अभी 1:30 हो रहा है और मैं और चेतन, क्या हुआ? तो इतने सामान दे तो ऊपर था इधर बैग। अच्छा ऐसा हो गया था, निकाला बाकी। सही है, तो चेतन आ गया लगेज लेके और अभी मेरे चाचा और पहल वो लोग दोनों कार में आए हैं हमें पिक करने के लिए। मैंने उन लोगों को बोला ही था आने के लिए पर मैंने पहल को नहीं बोला था, अब उसकी कल स्कूल है और वो आ गई है यहाँ पे लेने के लिए। चलो उनसे जाते हैं, कार में मिलते हैं। ये रही पहल। हाय बेटा, चलो चलो। और ये है मेरे चाचा। कभी आए थे आप लोग यहाँ पे? अच्छा पहल, दिस इज फॉर यू। चलो पहले जाते हैं कार में। हाँ चल चलो चलो, लेट्स गो। कार को मैंने इसलिए चाचा को बोला कार लेके आने के लिए क्योंकि ये जो सामान है ना, ये यहाँ पे टर्मिनल 2 में कैब का और ऑटो का बहुत इशू है। ऑटो तो मिल जाती है पर दुनिया भर की लाइन लगती है और कैब मिलती नहीं है। तो बस अभी पहले मैं चेतन को घर पे छोड़ूंगा, फिर चाचा को घर पे छोड़ूंगा और फिर ये कार लेके मैं घर चला जाऊँगा। तो बस ये था हमारा आज का ये ब्लॉग। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अभी लेट बहुत हो गया है तो मैं इससे ज़्यादा आगे बनाऊंगा नहीं। अगर आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।